कठुआ उपखंड मुख्यालय पर विजन दस्तावेज 2030 के संबंध विषय पर एक विचार संगोष्ठी पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगोष्ठी में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पीसीसी सदस्य पिंकू शर्मा, सिप्पी सोनी, जगराम वैद्य, कठुआ थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा, खेडली थानाधिकारी महावीर प्रसाद, बहतोगला रामस्वरूप आदि ने पुलिस की कार्यशैली और 2030 के पुलिस के नवाचार को लेकर अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर डीएसपी अशोक चौहान ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2030 के संबंध में विजन दस्तावेज को लेकर विचार संगोष्ठी आयोजित की गई और लोगों के सुझाव लिए गए, जिन्हें लेकर उच्च अधिकारियों को भिजवाया जाएगा। इस दौरान साइबर क्राइम को रोकने के लिए टेक्निकल व आधुनिक उपकरणों के साथ नफरी की कमी व आमजन द्वारा पुलिस को आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से सार्वजनिक स्थानों पर मेल मिलाप कम करने, ईमानदार व गरीब की सुनवाई करने और समाज तथा सामाजिक सद्भावना बनाने में सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस द्वारा सहयोग करने व उन्हें मान सम्मान देने आदि बातों को लेकर सुझाव दिए गए। इस मौके पर चुनाव पुलिस अधिकारी महावीर सिंह, राकेश शर्मा व सीएजी सदस्य, पुलिस मित्र, जनप्रतिनिधि, व्यापारी व औद्योगिक संगठन, कॉलेज छात्र छात्राएं, किसान एवं मजदूर संगठन, अधिवक्ता, एनजीओ, कमजोर वर्ग के संगठन, रिटायर्ड पुलिसकर्मी व सैनिक मौजूद रहे।